कहेंगे देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे, भारत की एकता को जाना है। लेकिन बीच बीच में कई प्रशासनिक कार्य और विधानसभा के कार्य आने की वजह से मैंने लगभग 15 पंचायतों में स्वयं भागीदारी की है। और निश्चित रूप से ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी का ये दूर दृष्टि और दूर की सोच है कि हमने जो योजनाएं केंद्र सरकार से जो लागू की है वास्तव में धरातल पर इनकी क्या स्थिति है, तो और कहीं कोई पात्र हितग्राही यदि छूट रहा है तो मौके पर जाकर उसका सत्यापन करेंगे और योजनाओं की क्या स्थिति है इन सब का भी आकलन इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हो रहा है। निश्चित रूप से ये यात्रा बहुत कारगर हो रही है। हम जहां भी जा रहे हैं हम शासन की योजनाओं के साथ साथ स्वास्थ्य शिविर भी लगा रहे हैं। गरीब जनता को यदि कोई बीमार है तो उसको दवाएं आदि उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा अभी कुछ गरीबी रेखा के राशन कार्ड की बात आई, वो भी बनने के हमने निर्देश दिए। कई आधार कार्डों में कभी त्रुटि हो जाती है, किसी की नहीं बन पाए है, तो गरीब व्यक्ति को विदिशा तक जाना या नटेरन तक जाने में परेशानी होती है, वो भी ठीक करने के लिए हम लोगों ने 14 और 15 तारीख को इस क्षेत्र में आधार कार्ड बनने और उसकी त्रुटि ठीक करने के लिए यही कैंप करने की हम लोगों ने घोषणा की है। तो निश्चित रूप से बहुत ही ऐतिहासिक कदम और उस यात्रा के माध्यम से इन योजनाओं की जो पुख्ता जमीनी स्तर पर जो होने चाहिए लागू वो पूरी तरह से हो रही है। यदि पात्रता में व्यक्ति है तो फिर परेशानी की कोई जरूरत नहीं है उनको, तो हम यहीं पर जैसे जैसे यदि किसी की खाद्यान्न पर्ची नहीं है और वो पात्र है तो उसको खाद्यान्न की पर्ची उपलब्ध करा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड की योजना में यदि कोई पात्र व्यक्ति है तो उसको भी हम यही बनाकर, या उसमें समय लग रहा है तो 1 या 2 दिन का हम लोग समय दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में पात्रता श्रेणी में है तो इस तरीके से उज्ज्वला योजना में कोई छूट आया तो यही हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो इन योजनाओं का लाभ हम यही देने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं कोई समय ज्यादा से ज्यादा होता है 2 से 4 दिन का, वो हम समय सीमा निर्धारित करते हैं कितने समय में आपका काम हो जाएगा। 25 तारीख को इस विधानसभा क्षेत्र में ये यात्रा संपन्न हो जाएगी। और फिर भी यदि कुछ गांव छूट गए तो ऊपर से हम लोग मार्गदर्शन लेंगे, आगे भी यदि चलाना हुई और वो गांव यदि कवर करना हुए तो वो ऊपर से निर्देश और मार्गदर्शन के बाद हम लोग करेंगे। वैसे मुझे संभावना 25 तारीख तक लगभग इस विधानसभा की सभी ग्राम पंचायतों में ये जन आशीर्वाद यात्रा पहुंच जाएगी।